11 जुलाई को चौरी चौरा थाना क्षेत्र स्थित सोनवर्षा भट्टे के पास मिली विवाहिता के शव का शनिवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंध के शक में उसी के पति विनय अग्रेरी ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और लाश को भट्टे के पास फेंक दिया। पकड़े गए अभियुक्त अवैध शराब बनाने का भी धंधा करते हैं। अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने शराब बनाने वाली सामग्री भी बरामद की है। आपको बता दें कि 11 जुलाई की सुबह एक अज्ञात महिला का शव मिला था, जिसके हाथ पर विनय नाम अंकित था। पुलिस और स्वाट टीम ने जब अपनी तफ्तीश शुरू की तो मामला उसके पति तक पहुंचा, जिससे उसका हमेशा विवाद चलता था। विवाद का कारण अवैध संबंध का था। विनय ने 5 वर्ष पूर्व पूनम सहनी से लव मैरिज किया था, जिसके कारण पूनम के घर वालों ने उससे अपना संबंध तोड़ दिया था। उस दिन विनय अपने दोस्तों के तरकुलहा मंदिर गया था और आते समय रास्ते में ही दुपट्टे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। उनके दो साथियों में राजघाट थाना क्षेत्र के भरत केवट पुत्र राकेश तथा राहुल पुत्र स्वर्गीय संजय साहनी शामिल हैं। अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने पहुंची पुलिस को अवैध शराब बनाने की भी सामग्री मिली है, जिसमें विभिन्न कंपनियों के शराब के बोतल के ढक्कन, बंटी बबली देशी शराब के स्टिकर, शराब की बारकोड 21 बंडल बरामद हुई। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने बताया। आप चले गुरुवार मॉर्निंग में, यानी 12 तारीख की सुबह एक युवती की डेड बॉडी मिली थी थाना चौरी चौरा क्षेत्र के अंदर। युवती की प्रथम दृष्टया शिनाख्त नहीं थी, देखने से लगा था कि जलाकर से इसकी हत्या की गई है। बाद में इस महिला की शिनाख्त, उस महिला का नाम पूनम सहनी लिखा है पत्रकार, और घटना का अनावरण करते हुए ये चीज प्रकाश में आई कि इसके ही पति ने इसके दो साथियों के साथ इसकी हत्या की। इसके पति का नाम विनय अग्रवाल है। करीबन 5 साल पहले इन लोग की शादी हुई थी और कतिपय कारणों से दोनों के बीच में लगातार विवाद चल रहा था, और इस जो इनके पति ने अपने दो साथियों के साथ भरत केवट और राहुल के साथ उस दिन ये प्लान बनाया, और घटना की एक रात में तकिया देवी मंदिर के अंदर लोग वहाँ पर गए हैं और गाड़ी के अंदर ही दुपट्टे से गला कस के इसकी हत्या की। गला कस के हत्या करके इसके गाड़ियों के अंदर रात में फेंका गया। घटना का नामन करते हुए तीनों लोगों को गिरफ्तार किया गया। तीनों ने जुर्म का इंकार किया। जो दुपट्टा जो कि आला कतल में इस्तेमाल हुआ था उसको भी बराबर कर दिया गया। घटना में उल्लेखनीय बात एक और चीज़ निकल के आई है, ये तीनों लोग जो है अवैध रूप से शराब की पैकेजिंग का भी काम करते थे। जब उनके यहाँ पर गिरफ्तारी हेतु दबिश दी गई है तो इनके यहाँ से करीबन सफ़ेद ढक्कन, मैकडोनल्ड्स के पत्ते, सीग्राम के पत्ते और करीबन पूरा ढक्कन 24 पैकेट्स जो कि बेसिकली बॉटलिंग इत्यादि के लिए यूज होता है, ये बरामद हुआ है। इस घटना को भी स्वीकार करते उन्होंने बताया कि यहाँ पे लोकली ये लोग अवैध रूप से शराब जो बनती थी उसको परचेज करते थे, और ये काम इन्होंने लगभग 6 से 8 महीने पूर्व चालू किया था। और ये जो मटेरियल है इसके इन्होंने बताया कि दिल्ली में एक व्यक्ति ने नाम बताते हुए लोकेशन बताते हुए बताया कि वहाँ से ये सब पैकेजिंग लेके आते थे और अवैध रूप से परचेज करके अवैध रूप से इसका सप्लाई करते थे। उस संदर्भ में थाना कोरा बार में जहाँ पर ये लोग रह रहे थे वहाँ पर दूसरा अभियोग पंजीकृत किया गया, तो टोटल 2 अभियोग इन लोगों के ऊपर पंजीकृत किए गए हैं, और फर्दर हम लोग को जो इसके अंदर लीड्स मिली उसके ऊपर अपना अग्रिम विधिक कार्रवाई की।